साथियों नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहा है जो कि पहचान के मोहताज नहीं। कई बार कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल पर अक्सर आते हैं और आप सभी दर्शक उनको जानते हैं। आज हम अश्विनी मल्होत्रा जी से मुलाकात करेंगे और लेंगे जानकारी कि जो किसान आंदोलन का समापन नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसमें ये अपने क्या राय देना चाहते हैं। जी मल्होत्रा जी स्वागत है आपका। थैंक यू जी। बताएं जो अभी किसान आंदोलन चला हुआ था उसका समापन प्रधानमंत्री जी ने किया था लेकिन किसान आज भी धरने पर हैं, इस सिचुएशन को आप क्या कहना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आज जो एक साल से किसान हर बॉर्डर पर बैठा हुआ है और उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, छांव में बैठे हैं, आंधी में बैठे हैं, तूफान में बैठे हैं और गोलियों में बैठे हुए हैं। ये जो तीन काले कानून जो अब वापस लिए गए हैं जिसको हम कहते हैं कि मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूं कि 700 किसान तो हमारे शहीद हो चुके हैं, उस घाट को पूरा कौन करेगा। जिस मां का बच्चा चला गया है, जिसका भाई चला गया है, जिसका दोस्त चला गया है, जिसका कोई रिश्ता चला गया है, तो वो कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती। और साथ में ही उनको और उनके परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और हर घर में उनके एक जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दुख अन्नदाता का है। अश्विनी मल्होत्रा के अंदर बड़े दुखी हृदय से मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी एक किसान का पोता हूं, मेरे दादाजी किसान थे, वो दर्द मेरे अंदर हमेशा रहेगा क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है जो 7 अरब दुनिया को अन्न देता है, जिससे नाश्ता चलता है, लंच चलता है, डिनर चलता है। और जो उनके साथ एक साल का हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदला लिया है, कोई पता नहीं कौन सा पिछले जन्मों का बदला लिया है या इस जन्म का बदला लिया है। मल्होत्रा जी अक्सर देखा गया है कि आप ट्रेनों में बसों में जाकर जनता के बीच में एक आवाज उठाते हो, तो बात की जाए आज पूरा देश बेरोजगारी की मार में चल रहा है, किसी के पास रोजगार नहीं है, घर चलाने के लिए गरीब मजदूर को क्या करना पड़ता है, किन हालातों से वो गुजर रहा है, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए आप सरकार के प्रति अपना क्या सुझाव रखना चाहिए। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे 3 सुझाव हैं, जे उन सुझाव के ऊपर इन्होंने अमल कर लिया तो इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। सबसे मेरा पहला सुझाव ये है कि जो भी गवर्नमेंट दी हमारी इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वो शुगर मिल है, गत्ता मिल है, धागा मिल है, प्रिंटिंग मिल है, जो भी है सबसे पहले उसको चालू करना चाहिए। जो भी हमारे इंडिया के अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको सबको खुशहाल और बिल्कुल जो डैमेज हुए पड़े हैं उनको सारे को खुशहाल करना चाहिए। और साथ साथ जो भी हमारे इंडिया के हॉस्पिटल हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उसके अंदर 4 चंद लग जाने चाहिए, उसके अंदर जहां भी जितनी डॉक्टरों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, नर्सों की पूरी होनी चाहिए, वहां डेंटिस्ट की पूरी होनी चाहिए, BMS HMS जो भी है वहां, फिजियोथेरेपिस्ट वो डॉक्टरों की पूरी भर्ती जो है वो पूरी होनी चाहिए। और साथ साथ में जो आज इतने बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में रुके हुए हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है नोटबंदी, उसका कारण क्या है GST, उसका कारण ये है जो गवर्नमेंट ने 5% प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, बहुत ही निंदनीय है। अरे कोई एक इंसान अपने बच्चे का पेट काट करके, कोई 100 गज का प्लॉट लेके, कोई अपना मकान बनाना चाहता है, कोई अपना 150 गज लेके कोई मकान बनाना चाहता है, कोई 200 गज लेके मकान बनाना चाहता है, तो वो 5% प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब क्या है। जब हम सारे टैक्स देते हैं, हमारे ऊपर हर चीज का टैक्स लग के आता है, पेट्रोल पे, डीजल पे, हर चीज पे टैक्स लगता है, तो उसके बाद ये लास्ट एक इन्होंने ऐसा लोगों के ऊपर इतना बड़ा एवरेस्ट की चोटी गेर दी है, इतना बड़ा लोगों के ऊपर वजन डाल दिया है
कि हर आदमी जो है उस 5% से भी दुखी होया पड़ा है। एक तो ये 5% का जो है इसको वापस ले लेना चाहिए, मोदी सरकार को और सभी स्टेटों को वापस लेना चाहिए। दूसरा ये है जो हमारे लेडीज के ऊपर 6% स्टाम्प है, 7% जेंट्स के ऊपर है, और जो भी स्टाम्प 6-7-8% की रेशो में लगती है इनको 4% पे 3% पे ले आना चाहिए। जैसे ही ये 3-4% पे आएंगे प्रॉपर्टी के रेट अप होते जाएंगे और इनके पास उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आता रहेगा। और जब रेवेन्यू आएगा 2014 से पहले इतना रेवेन्यू आता था हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, हर स्टेट में।